चार सालों में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम के बहू और बेटे को दिया आशीर्वाद। सीएम योगी के अलावा केशव प्रसाद मौर्य के घर मौजूद रहे संघ के कई बड़े अधिकारी, साथ ही दोपहर में सब का भोजन सबने किया। केशव प्रसाद मौर्य के घर लंच के बाद बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक, योगी समेत कैबिनेट के बड़े मंत्री मौजूद, संगठन के भी दिग्गज हुए शामिल। यूपी में जारी है बीजेपी की बैठकों का दौर, सुबह 3 घंटे की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। सीएम योगी को लेकर बीजेपी ने कयासों पर लगाया फुल स्टॉप, मांझी और अरुण सिंह ने बताया यूपी चुनाव का चेहरा। के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है, वो हमारे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार गुट की अहम बैठक, 24 जून को पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होंगे सभी दल। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने छेड़ा पाकिस्तान का राग, कहा जब तालिबान से कर सकते हो आप बात तो पड़ोसी देश से क्यों नहीं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। महबूबा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, रविंद्र राणा बोले देश हित को ध्यान में रखना होगा। जानबूझ के भय का एक माहौल बनाने की साजिश नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग कर रहे हैं। पैंथर्स पार्टी ने किया प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर की सर्वदलीय बैठक का किया विरोध। पीएम मोदी ने 24 जून को बुलाई है जम्मू कश्मीर पर बैठक, पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव को लेकर होगी चर्चा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर राष्ट्र मंच की मीटिंग, शामिल हुए कई दलों के नेता। शरद पवार, यशवंत सिन्हा ने की पवार के घर की बैठक की अगुवाई, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी की शिरकत। कांग्रेस को बाहर रखने को लेकर राष्ट्र मंच की तरफ से दी गई सफाई, कहा कई नेताओं का था न्योता लेकिन दिल्ली में कोई मौजूद ही नहीं था। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस में घमासान सुलझाने की पहल, पार्टी कमेटी के सामने पेश हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह। संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई बैठक, सिद्धू के खिलाफ डोजियर लेकर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर। कमेटी के सामने कैप्टन ने खुलकर रखी अपनी बातें, सिद्धू को डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से साफ किया मना। दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेज हुई केंद्र सरकार में जेडीयू के शामिल होने की चर्चा। नीतीश ने पहली बार एलजेपी पर दी अपनी प्रतिक्रिया, बोले पार्टी की टूट फूट में नहीं है हमारा कोई हाथ। हम लोगों की देखिए कोई भूमिका नहीं है, उन लोगों के आपस का मामला है, लेकिन हम पर कुछ बोलता है इसलिए कि पब्लिसिटी मिलती। बिहार की सड़कों पर चिराग गुट ने लगाए पोस्टर, नीतीश कुमार को बताया एलजेपी में टूट का जिम्मेदार। बंगाल के राज्यपाल पर तृणमूल का भर से हमला, का पूरे देश में गवर्नर पद खत्म करने के लिए आवाज उठाएगी टीएमसी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस ने सरकार को फिर से घेरा, राहुल गांधी ने जारी किया श्वेत पत्र। श्वेत पत्र में 4 बिंदुओं पर सरकार को सुझाव, वैक्सीनेशन तेज करना, कोरोना पीड़ितों के लिए फंड की वकालत करना। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार, कहा कोरोना पीड़ितों को पीएम मोदी के आंसू नहीं बचा सकते लेकिन ऑक्सीजन बचा सकती। जो नीडलेस डेथ हुई है, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, देश में कुछ अच्छा होने पर कांग्रेस नेता राहुल को होती है चिढ़। हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है। अखिलेश यादव ने उठाया यूपी में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों का मुद्दा, ट्वीट किया मृत्यु का डेटा नहीं देकर मुंह छिपा रही है सरकार।
डेल्टा प्लस वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश केरल में मिले 22 मरीज, सितंबर तक तीसरी लहर की आशंका। आज तक से बोले एम्स के डायरेक्टर, सितंबर तक बच्चों के लिए आ जाएगी वैक्सीन। लगातार घट रही है कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 42,640 मरीज। पटना में स्कूल के सभी टीचर्स और कर्मचारियों को लेनी होगी वैक्सीन, बिना आधार कार्ड वालों को दिखाना होगा कोई ना कोई पहचान पत्र। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर लगा दी रोक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ओबीसी समाज की तरफ से आंदोलन, स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण रद्द करने को लेकर नाराज। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कराया मुंडन, सांसद के सामने टीएमसी में शामिल। धर्मांतरण मामले पर यूपी सरकार की सख्ती, आरोपियों पर गैंगस्टर एनएसए लगाने के निर्देश। धर्मांतरण में पकड़े गए मौलानाओं ने एडीएस के सामने किया खुलासे, फंडिंग और टेरर का जरिया बन रहा है इस्लामिक सेंटर। 12वीं के रिजल्ट का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई आईसीएसई की स्कीम को दे दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मूल्यांकन स्कीम या परीक्षा में से एक विकल्प को चुनने की मांग, फिजिकल एग्जाम जुलाई में आयोजित कराने से भी साफ इनकार। दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर पर अब भी डटे हैं किसान, झुलसती गर्मी में एसी की मदद से चल रहा है अब आंदोलन। पंजाब के अबोहर में किसानों ने बीजेपी नेताओं को होटल में बनाया बंधक, वर्चुअल मीटिंग के दौरान कर दिया हंगामा। हजार में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का विरोध प्रदर्शन, मनरेगा में जाति आधार पर एडवाइजरी जारी करने को लेकर हैं ये नाराज। बढ़ते तेल के दाम और महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, घोड़े तांगे पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। सहारनपुर में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरुद्ध किसानों का अनोखा प्रदर्शन, पेट्रोल पंप पर गेहूं के बदले मांगा तेल।